जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं भुछालखोर के अंदर और सर्दी गांव के दरमियान, जहाँ पे एक खूबसूरत आपको वादी आपके जहन में आती है। जो करकार मोटरवे से आप देखें तो राइट साइड पे, इस्लामाबाद से जाएं तो राइट साइड पे, अगर लाहौर से वापसी आए तो लेफ्ट साइड पे वादी आती है। यहाँ पे गैर कानूनी घुड़ियाल का शिकार होता है। यहाँ के लोकल बंदों का कहना है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी शिकार है जो महकमा वाइल्ड लाइफ अपने मखसूस बंदों को कराती है। इसकी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर एक कानूनी हैसियत में उसमें आधे से ज़्यादा मेंबर लोकल होने चाहिए और कुछ बेशक बाहर से हो, लेकिन यहाँ पे जो उनसे बॉडी बनी हुई है उसका एक मेंबर भी लोकल नहीं है, बाकी सारे बाहर के हैं। यहाँ से पूछते हैं लोगों से कि क्या मसाइल है यहाँ पे। जी, यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल जो है वो इस सीबीओ के हवाले से, चूँकि हमारे लोकल कम्युनिटी का हक है और लोकल कम्युनिटी से कोई बंदा नहीं लिया और किसी बंदे को उन्होंने एतमाद में भी नहीं लिया हुआ, और जो इससे अर्निंग आती है उससे एक पाई पैसा भी वो यहाँ पे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, इनके कहना है कि जब कमेटी लोकल होगी उसकी जो सी करोड़ों रुपये की आमदन होती है सालाना, वो अगर लोकल कमेटी होगी तो इस इलाके के लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि वो पैसे हॉस्पिटल के लगाए जाएंगे, वाटर सप्लाई के लगाए जाएंगे और मुख्तलिफ जगह पर लगाए जाएंगे। जी गुजारिश ये है जी कि जी वाइल्ड लाइफ वाले आमदन आती है इतों वो साडा हक बनता, साढ़े असी लोग गरीब हाँ माल मवेशी वाले बंदे हाँ, तो वह पैसे इतने साढ़े ग्रावान तक लगे वाटर सप्लाई तय हस्पताल तय जिन चीज़ों तो असं महरूम हाँ। इस वास्ते हुकूमत अगर साड़ी गुजारिश है कि यह साड़ी अपील सुनी बन जाए और लोकल बंद अहमियत दी बन। जी ये जो वाइल्ड लाइफ वालों ने यहाँ बनाई है सीबीओ, इसमें इस लोकल इलाके का कोई बंदा नहीं था, उछाल खुद का न सर्दी का, और जो घड़ियाल का शिकार करते रहते हैं लोग, अनोन लोग होते हैं इनकी ब्याह पर करते हैं वाइल्ड लाइफ वालों पर, और लास्ट यही हमारा है जिनकी इंटरेस्ट यहाँ पर वाक है, लेकिन कोई भी हमारे इंटरेस्ट को बंदे नज़र रखते ही नहीं है। और चाहिए ये ज़रूरी कानून अखलाकन की हमारा फ़र्ज़ है कि हमें चीज़ें मिले, हमारा हक कहीं है, हमारे जो टूटे फूटे इलाके इसको जोड़ने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। Thank you.